इतना दल बदलू है कि साला बीजेपी इसको आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में घुस गया है, एकरा से ज्यादा दल बदलू है। अरे पालतू चाचा है, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने कहाँ पलटी मारा, ये तो सीएम थे, सीएम है, बाकी लोग इनमें आगे चिपकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। हम बस यही कहेंगे कि हमारे हमारे बिहार में यूपी के जैसा सरकार चाहिए, योगी जी के जैसा सरकार चाहिए, तब हमारे बिहार को सुधार आएगा। संभालने के लिए तो अभी बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, और आरजेडी में तेजस्वी यादव जो थे अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। जो 500 वर्षों में किसी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम लड़ाते कटवाते रह गया, कोई काम नहीं किया, वो एक राम मंदिर बना दिया, उसका मुद्दा है तो क्लियर है कि हिंदू वोट एक तरफ जाएगा। शुरू में तो वो अच्छे काम किए थे, मगर आप जो पलटी मारते हैं वो उसका स्थिति अब बहुत ही खराब हो गया है। इस बार उसको लड़ने के बाद सब कोई अलग अलग लड़ता है, जब बैठने का बारी आता है ना, तब समझ में आता है कि किसको बैठना चाहिए, कैसे आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और लोगों से सीधा सीधा पूछेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में जनता की क्या राय है, क्या नीतीश कुमार की छवि बिहार में ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से वो लोग 2005 में देखते थे। आइए बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? चितरंजन कुमार। चितरंजन जी, नीतीश कुमार जब नाम आप सुनते हैं क्या छवि बनती है आपकी? बेस्ट मैन ऑफ बिहार, बिहार का इससे बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट के लिए। आप जितनी सड़क देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट है इनके ही शासनकाल में हुआ है। नीतीश कुमार, हाँ, इनसे बेहतरीन आदमी बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पलटी मार हैं, बार बार इधर उधर पलटी जाते हैं। इन्होंने कहाँ पलटी मारा, ये तो सीएम थे, सीएम है, बाकी लोग इनमें आगे चिपकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। आरजेडी की जरूरत होता है वो चिपकता है, बीजेपी की जरूरत हो वो आगे चिपकता है, जिसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो बाहर चला जाता है। ये तो मुख्यमंत्री थे, हैं, और शायद अगले टर्म भी रहेंगे, एकदम रहेंगे। इनसे बढ़िया कोई आदमी है आपकी नज़र में बताइए? बीजेपी में कोई ऐसा छवि है इनके बराबर नहीं है, आरजेडी में नहीं है। तो मतलब मान के चलिए नीतीश कुमार के अलावा किसी को देख पाते हैं आप जो बिहार संभाल पाएगा? संभालने के लिए तो अभी बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, और आरजेडी में तेजस्वी यादव जो थे अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, अपने पिता के उल्टे हैं, उनके पिताजी के काल में जो हुआ उसके अपोजिट हैं, सक्षम हैं, सरकार चला सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार। सुनील जी, नीतीश कुमार जब नाम सुनते हैं जी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अरे पालतू चाचा है, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू नहीं है तब भी मुख्यमंत्री बने हुए? अरे तो मतलब 18 बने हुए ना, तो बीजेपी के साथ में जा रहे हैं तब बन रहे, इधर आके तो नहीं बनेंगे। अच्छा, इसलिए देख रहे हैं कि पलटू चाचा है, अब इनने हमको भारी पड़ना पड़े, उन्हें भाग जाते हैं तो उन्हें पहुँच गए हैं, फिर सरकार इनको बनना ही बनना है। लोगों का मानना है पलटते भले हैं लेकिन विकास करते हैं। हाँ, विकास, सही बात, विकास करते हैं जी। तो 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी, फिर अब देखिए तो वक्त बताएगा ना, अभी तो विकास करे तो वही ना आएंगे, जो विकास करेगा वही ना आएगा, फिर दोबारा कहाँ दूसरा आने का चांस है, वही आएंगे नीतीश कुमार। जो ये पलटते हैं वो क्या लगता है? वही तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ रहे, एक साथ रहे, बस यही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पारस प्रसाद। तो पारस जी, नीतीश कुमार जब नाम सुनते हैं जी जी, क्या आपको सबसे पहले लगता है? नीतीश जी आ गए अपना मौसम देख करके कि बीजेपी में यहाँ रहेंगे तो रहेंगे मुख्यमंत्री, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जो 500 वर्षों में किसी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम लड़ाते कटवाते रह गया, कोई काम नहीं किया, वो एक राम मंदिर बना दिया, उसका मुद्दा है तो क्लियर है कि हिंदू वोट एक तरफ जाएगा, कोई दो राय, कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। नीतीश जी बेचारू आ गए अपना रास्ता लेकर के, नहीं आते तो ये भी चल जाते, सीधा सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लालू जी को तो सीधे बोलना चाहिए कि ये चलिए हमारे शासन काल में नहीं बना, हम प्रधानमंत्री नहीं थे, चलिए बनवाए, अपने शासन में बनवाए, अपने हिसाब से दंगा फसाद नहीं हुआ, अच्छा से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हिंदू हैं, राम मंदिर बना, बनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको रहना है, यहीं रहना है, तो बोलने में भी वो लोग असफल कर गए हैं। तो
नीतीश कुमार के साथ जो ये पलटने का जो बात है, ये आपको कितना उचित लगता है? देखिए, ये ऐसा सत्ता ऐसा चीज होता है कि जो कभी कहीं भी जा सकता है। ये मत सोचिए कि ये तेजस्वी यादव भी नहीं इधर आ सकते हैं। यदि सीट लेकर के आ गए ज़्यादा तो वो भी इधर आ सकते हैं। ये कुर्सी सोना के जो होती है ना, ये कभी भी कहीं जा सकती है। ये मत सोचिए कि वो नहीं आवेंगे। आपको बता दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री जो बनाना था, तो शिबू सोरेन ने बनाए थे ना बीजेपी पर अपना बेटे को मुख्यमंत्री बनाए थे कि नहीं, जबकि बीजेपी का विरोधी थे। कोई चारा नहीं चला, देखा कि आधा सीट एने बा आधा सीट एने बा, तो अपने बेटे को बैठा दिए। ये ऐसा चीज ही होता है। लड़ने के बाद सब कोई अलग अलग लड़ता है, जब बैठने का बारी आता है ना, तब समझ में आता है कि किसको बैठना चाहिए, कैसे आया है। अच्छा, पूर्ण बहुमत से अगर कोई पार्टी ला दिया तो सोचना नहीं है, जोर गांठ के आएगा तो आने के बाद पता चलता है। ये तो लड़ाई अलग अलग होगा ना। 25 का विधानसभा चुनाव है, 25 का विधानसभा चुनाव में हमको जहाँ तक अंदाज है, जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं बता रहा हूँ कि ये मोदी जो काम किया है, हिंदू एक तरफा जाएगा, जो लालू को देन चाहने वाला था वो भी जाएगा, नीतीश को चाहने वाला है वो भी जाएगा। नीतीश जी कोई बुरबकई में नहीं भागे हैं, चलाकी में भागे हैं ना। हवा उनको पता चल गया ना कि हम अगर नहीं जाते हैं तो कुर्सी। हाँ, क्या लग रहा है 25 में फिर पलटी मारेंगे? बच्ची पलटी का मारेंगे, ये तो शासन समय की बात होता है, कुर्सी की सवाल होती है। पलटी मारना ना मारना कोई अथी है बड़का चीज़ है क्या जी? कुर्सी हम चाहिए और क्या। आदमी सोना के कुर्सी कोई छोड़ता है? अगर कोई अधिकारी बैठा हुआ DM कहेगा कि हम छोड़ दें, सस्पेंड हो जाएं, कोई नहीं छोड़ता इस धरती पे, आपको बता रहे हैं। तो पलटी मारने की क्या सवाल है? वो आए हैं चलाकी में आए हैं, कुर्सी बरकरार रहेगा उनका, अगर नहीं आते तभी चले जाता कुर्सी। तो नीतीश कुमार एक नाम सुनते ही क्या आपको सबसे पहले समझ में आता है? वो समझ में आता है कि वो अपना चुनाव को देखते हुए वो पलटी मार रहे हैं कि लोकसभा जब चुनाव आ रहा है इनके पास रहेंगे तो इनको होने वाला नहीं है जीत, वो तो नीतीश चलते भाजपा में ही आ गए हैं। हाँ, बाकी नीतीश कुमार का काम काज कैसा लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी के काज काज तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है। तो आपको लगता है फिर इधर पलटी मार के आए, ठीक ठाक चलेगा? चलेगा तो नहीं, ये तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो फिर विधानसभा के चुनाव में फिर इधर आएंगे, फिर जरूर आएंगे, एकदम गारंटी है 100%। हाँ, फिर आएंगे, वो जरूर आएंगे। चलिए, क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? शुरू में तो वो अच्छे काम किए थे, मगर आप जो पलटी मारते हैं वो उसका स्थिति अब बहुत ही खराब हो गया है। इस बार उसको जनता उसको नहीं चाहेगी, इस बार उसको नहीं चाहेगा। फिर पलटी मार दिए तब फिर भी उसको नहीं चाहेगा लोग, जनता वो पलटू चचा बोलते हैं सब उसको। और हमेशा 18 साल से पलटू ही बोल रहे हैं, तब पर भी लोग उन्हीं को जिताते हैं तो उसका मजबूरी है। लोग मोदी जी को जानते हैं, मोदी में इसलिए सटे हैं कि उसमें सटेंगे तब हम जीतेंगे, अगर वो उसमें नहीं सटेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए वो पलटी मारे हैं। और अपना जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होगा उसमें वो हम हार जाएंगे, उसको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तेजस्वी आएंगे मुख्यमंत्री उसके चुनाव 25 में। और 24 का चुनाव में प्रधानमंत्री का है, इसलिए उसको सटना मजबूरी था और इस कारण वो सट गए। नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे हैं बार बार, आप जब इस चीज़ को सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये तो बहुत पहले से ही पलटी मार रहे हैं, लेकिन इस बार अब पलटी नहीं मारेंगे, अब इनका करियर खराब हो गया, इस बार ख़त्म हो जाएंगे, ये इनका जदयू पार्टी का पतन हो जाएगा और फिर से तेजस्वी सरकार बनेगी। हमेशा तो पलटी मार रहा है, क्या चीज़ है ये? हमेशा तो पलटी मार ही रहा है, दल बदलू का सरकार है इसका। हाँ, कहीं भी रहना तो अपना पार्टी बना के रहो ना, इसको नहीं हटाएंगे। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि 25 का चुनाव जब आएगा विधानसभा का तो फिर नीतीश कुमार कुछ खेला करेगा? खेला करवे करेगा, वो तो पक्का है, खेला करवे करेगा ये। वो तो जरूरी 100% है, खेला करेगा ये। बाकी काम काज नीतीश जी का कुछो नहीं है, कुछ नहीं, खाली बीजेपी का है। अब बीजेपी का सरकार आ गया ना, इतना दल बदलू है कि साला बीजेपी इसको RJD को छोड़ के बीजेपी में घुस गया है, एकरा से ज़्यादा दल बदलू है। चलिए, तो नीतीश कुमार नाम सुनते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में?
पहली बात कि मेरा भी नाम नीतीश कुमार ही है जी। तो नीतीश जी जो ये मुख्यमंत्री हैं तो 18 साल से हैं, क्या लगता है आपको, कामकाज कर रहे हैं बढ़िया? देखिए एक रियलिटी, ह्यूज रियलिटी बात करें नीतीश सरकार को आने से पहले की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत करप्शन था और साथ में ऐसा था कि शाम को 5 या 6 बजे के बाद आप रोड पे नहीं चल सकते थे, नहीं निकल सकते थे। उन्होंने शिक्षा का स्तर अभी थोड़ा सा सुधार लाया है और बाकी जितना कहें कि कंस्ट्रक्शन के मामले में आज किसी भी गांव में जाएं तो आपको बिजली और पानी ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिली है। अब वो राजनीति के उसके अवसर पे क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुविधा हमें मिला है, लेकिन वो बेहतर कर सकते थे जैसे अदर स्टेट में होता है। तो जैसे क्राइम को लेकर चीज़ें, क्राइम रेट भी यहाँ पे कम हुआ है अदर स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन बिहार आज भी जैसे आपने कहा कि और भी अच्छा कर सकते थे, तो आपको नहीं लगता है कि दल बदलने के चक्कर में नीतीश जी कहीं पीछे रह जाते? हाँ, ये सबसे मेजर पॉइंट है कि एक तो उन्हें एक सत्ता का एक जो कहते हैं ना कि सत्ता ही सत्ता चाहिए, बाकी चीज़ हो या ना हो काम वो रियलिटी में करे हैं और लोगों को दिखता भी है कि आज आप फ्रीली आप बिहार में आप घूमते हैं। ठीक है, पहले बिहार का यदि देखा जाए तो बिहार की गरीबी स्तर बहुत कम था, आज के टाइम में कम से कम छठवें सातवें स्थान पे पहुंच चुका है कि हाँ इतना ऊपर लेवल पे जा चुके हैं हम। तो उनका सरकार बदलने से ये होता है कि उनको सिर्फ सत्ता में चाहिए, और हमारा ये मानना है कि जैसे राजस्थान में होता है वैसे यहाँ भी सरकार बदलना चाहिए। और काम काज की बात करें तो काम जितना होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग उतना नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने बहुत सुधार किया है उसके लिए हम एग्री हैं। चलिए युवा है हमारे साथ कुछ बात करेंगे, नीतीश कुमार का नाम सुनते हैं क्या दिमाग में क्या आएगा? ऐसा जो भैया अभी बोले कि क्राइम कुछ कम हुआ है, हमारे मसौढ़ी इलाका में आइए, कोई क्राइम कम नहीं हुआ है, हमेशा हर सप्ताह में हर मंथ में कोई ना कोई मर्डर केस ये सब सुनने को मिलते रहता है। छीन छोड़ जो फोर लाइन बना है हमारे एरिया में, जो फोर लाइन बना है पटना गया हाईवे उस पर होता है फोर, रात में अगर 10-11 बजे के आसपास वहाँ से जाइए तो छीन छोड़ होता है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस यही कहेंगे कि हमारे बिहार में यूपी के जैसा सरकार चाहिए, योगी जी के जैसा सरकार चाहिए, तब हमारे बिहार को सुधार आएगा। कुछ ऐसे किसी से सुधार नहीं आने वाला है, और हम लोग बस कहीं नहीं वोट देते ही नहीं है किसी को नहीं, क्योंकि हमारे लिए किन्हीं ने कुछ नहीं किया है। ये तेजस्वी यादव एक नाम है, कैसा लगता है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं? कोई कुछ नहीं है, कुछ फील ही नहीं होता हमको, क्योंकि हमको उनसे कुछ मिला ही नहीं है आज तक। हम लोग तो उनको फ़ायदा दिए हैं, उनको वोट दिए हैं, लेकिन वो हम लोग को आज तक कुछ नहीं किए हैं। सिंपल सा बात है, बहुत लोग कहते हैं जाति के नाम पे कि हम यादव हैं हम उनको वोट देंगे, लेकिन हम यादव नहीं हैं। और हम जी यहाँ पे मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंगली प्रधानमंत्री का जितना योजना है मुख्यमंत्री से ज़्यादा बेहतर मिलता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि यदि आप ये ग्रोथ करना चाहें बिहार के लिए जितनी भी फंड आते हैं तो आपको सही चीज़ों में उसको उपयोग करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी डोभी से लेकर यहाँ तक की जो बन रहा है 12 ईयर हो गया अभी तक नहीं काम चला है, अभी तक बन ही रहा है, पता नहीं कब ये होगा। लेकिन यही अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ 1 से 1.5 साल के अंदर सुपर कॉरिडोर तक तैयार हो जाता है। नीतीश कुमार एक नाम जो है वो सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है, हमने लोगों से सीधा पूछताछ किया, बिहार में विकास हुआ है लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जो पलटने की बात है ये लगातार जो है ये कहीं ना कहीं सामने आती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी फिर पलटी मार सकते हैं, आगे क्या कुछ होगा ये देखने की बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।